जो आदमी कहता है कि सर्वे में मेरा नाम नहीं है, मेरा ख्याल है कि पता नहीं कहाँ रहता है वो। अगर सर्वे आप करते हो कभी सर्वे, तो आपका कोई कहे कि आप सर्वे करो, आप किसी को बताओ कि मैं आपका सर्वे करने आया हूँ, जो विनेबिलिटी आएगी उसको टिकट दिया जाएगा, चाहे वो छक में रहें जहाँ वो। अगर मैं हूँ तो कांग्रेस नहीं है, वो बात अपने दिमाग से सभी को निकाल देनी चाहिए। पार्टी हमारे लिए सबसे सुप्रीम है। मरुधरा के पहाड़ में कांग्रेस ने टिकट वितरण में निर्दलियों को लेकर बड़ा प्लान तैयार किया है, जिसके तहत कांग्रेस निर्दलीय विधायकों को कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुनावी अखाड़े में मैदान में उतार सकती है। साथ ही पार्टी ऐसे नेताओं की तलाश में डटी है जिन्हें टिकट ना मिलने पर पार्टी छोड़ सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की पहली सूची आने का इंतजार भी सभी को है, और इसी को लेकर खुद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने संकेत भी दिए हैं कि कांग्रेस की पहली सूची अक्टूबर के पहले या फिर दूसरे सप्ताह में जारी हो सकती है। इंडिया में उनके पास डिपार्टमेंट है, और जहां का कोई मंत्री बनता है उस स्टेट को तो वैसे ही उनका राइट बनता है, तो पता नहीं क्यों मंत्री जी ऐसी बातें कर रहे हैं, और उसके ऊपर एजिटेशन भी होगी। हम उसके ऊपर यात्रा भी निकालेंगे, लोगों को अवेयर भी करेंगे, और जितने 13 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें हर गांव में हम पहुंच करेंगे कि हमें पानी दो। सर्वे से परेशान है कई लोग, की सर्वे में साहब मेरा नाम नहीं है, आपसे मिले भी कुछ लोग की साहब मेरा नाम पता नहीं, जो मेरी बात सुनिए सर, इस तरफ कैमरे इधर। अच्छा, नहीं आपके 3-4 कैमरे किसकी तरफ देखे? बोलिए सर, बोलिए। अच्छा, देखिए, जो आदमी कहता है कि सर्वे में मेरा नाम नहीं है, मेरा ख्याल है कि पता नहीं कहाँ रहता है वो। अगर सर्वे आप करते हो कभी सर्वे, तो आपका कोई कहे कि आप सर्वे करो, आप किसी को बताओ कि मैं आपका सर्वे करने आया हूँ। तो एक बात मैं बहुत क्लियर कट कहना चाहता हूँ कि जो विनेबिलिटी आएगी उसको टिकट दिया जाएगा, चाहे वो छक में रहें जहाँ वो क्या करते हैं, जो काम करेगा, जो कांग्रेस की बात करेगा, जो डरेगा नहीं, जो पूरे तनदेही से कांग्रेसी है, जिसके दिमाग में है कि मेरे को टिकट नहीं मिलेगा तो मैं इधर उधर चला जाऊंगा, उनको उनका भी सर्वे हम कर रहे हैं। कि देखिए, डिसिप्लिन जो है, अगर घर में डिसिप्लिन नहीं है तो घर नहीं चल सकता, अगर पार्टी में डिसिप्लिन नहीं है तो पार्टी नहीं चल सकती। मेरा तो एक ही है कि डिसिप्लिन रखूंगा, और जो इनडिसिप्लिन करेगा उसको टॉलरेट नहीं करूंगा। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि हम कांग्रेसी हम अगर कांग्रेस है तो सुखजिंदर सिंह रंधावा है, हम हैं। अगर मैं हूं तो कांग्रेस नहीं है, वो बात अपने दिमाग से सभी को निकाल देनी चाहिए। पार्टी हमारे लिए सबसे सुप्रीम है। आज मैं जहां का प्रभारी बनकर आया हूं तो मैं कांग्रेस की वजह से आया हूं कि मैं कांग्रेसी हूं, कांग्रेस ने मेरे को यहां भेजा है। अगर मैं कहूं कि कांग्रेस को मेरी ज़रूरत है, मेरे जैसे तो कई और घूम रहे हैं। पार्टी को सिंसियरिटी और जो लॉयल्टी है वो हम इसमें देखें, और विनेबिलिटी, तीनों बातों को देखेंगे। पता नहीं आज क्या वो पार्लियामेंट में क्या कहेंगे, तो पहले देख लें कि वो क्या बीन बजाते हैं, फिर हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। हैं, बिल्कुल अलायंस जो हमारी पार्टीज हैं, अगर कोई आएगा तो अलायंस की बात तो चलेगी। साथ ही टिकट वितरण की रणनीति के बारे में रंधावा ने कहा कि जमीन पर पार्टी के लिए जो काम करेगा, कांग्रेस की बात करेगा, और दिल से जो कांग्रेसी है ऐसे लोगों पर हम दाव खेलेंगे, यानी जिताऊ ही कांग्रेस का उम्मीदवार होगा। सुखजिंदर सिंह रंधावा कहते हैं कि किसी को गलत फहमी नहीं रखनी चाहिए कि उसका नाम तय है, क्योंकि सर्वे जो किया है वो किसी को बताते तो है नहीं, तो कोई सोच भी कैसे सकता है कि उसका सर्वे में नाम है या नहीं। जो ऐसा सोचता है उसमें दिमाग नहीं है, क्योंकि अगर सर्वे होता है तो कोई बताता नहीं कि सर्वे हो रहा है,
वहीं सुखजिंदर सिंह रंधावा ने निर्दलीय को टिकट देने के सवाल पर कहा कि यदि कोई निर्दलीय विधायक जिताऊ होगा तो हम उसे टिकट देने पर जरूर विचार करेंगे। सर्वे में सब कुछ सामने आ जाता है। सर्वे में यदि जिताऊ माना जा रहा है तो उसे टिकट दिया जा सकता है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो जिताऊ होगा उसे ही टिकट दिया जाएगा, चाहे वह हमारे संपर्क में है या नहीं, लेकिन टिकट उसी का पक्का है। तो वही सियासी जानकार के मुताबिक अब आपको ये भी बता देते हैं कि वे कौन से निर्दलीय विधायक हो सकते हैं जिन पर पार्टी बड़ा दाव खेल सकती है। पहला विधायक संयम लोढ़ा, दूसरा रामकेश मीना, तीसरा महादेव सिंह खंडेला, चौथा बाबूलाल नागर, पांचवा खुशवीर सिंह, छठा बलजीत यादव, सातवा आलोक बेनीवाल, आठवा प्रमिला खड़िया, नौवा सुरेश टांग। अब ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 2023 की रणभेरी में कांग्रेस का निर्दलीय वाला दाव देगा बीजेपी को मात। ब्यूरो रिपोर्ट राजस्थान तक।